हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पूनम सिंह रेसिपी और मैं आज बनाने जा रही हूँ कद्दू का अचारी रायता। तो उसके लिए हम कद्दू साफ करके काट लिए हैं, मेथी दाना ले लिए हैं रोस्ट करके, ये भी पड़ता है इसमें, क्रश करके हम डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च, इसमें हम डालेंगे काला नमक और भुना हुआ जीरा मिर्चा। तो सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेंगे कद्दू को, कुछ इस तरह पतला पतला इसका होना चाहिए। सारा कद्दू ग्रेट हो गया है, देखिए पहले से भी हम कुछ कद्दू ग्रेट करके रखे हुए थे, अब सबको हम उबाल देंगे गर्म पानी में। मेथी को हम क्रश कर लेंगे, क्रश हो गया अच्छे से, इसी तरह दरदरा हमको डालना है। पानी हम गर्म कर लिए हैं, इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ कद्दू और एक उबाल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, होली में आप जरूर बनाएं पुआ के साथ कद्दू का अचारी दही बड़ा का कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा लगता है। कद्दू उबल गया बिल्कुल अच्छी तरह से, अब इसका हम पानी निकाल लेंगे छन्नी की सहायता से। सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा, इसमें हम दबा दबा कर सारा पानी निकाल लेंगे। उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद तब इसमें हम सारी सामग्री मिलाएंगे इसकी, अचारी रायता की। कद्दू बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको हम जाली से निकाल लिए हैं, देखिए एकदम ड्राई हो गया है, पानी पूरा निकल गया है। इसी कद्दू का हम दो तरह से आपको रायता बताएंगे। पहला तो हम इसमें डालेंगे पहले दही, एकदम पानी निकला हुआ दही, ज़्यादा नहीं डालना है हमको, दो चम्मच डालेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच सादा नमक, धनिया का जीरा भुना हुआ और मिर्च का पाउडर है जो दही बड़ा में पड़ता है, काला नमक डालेंगे आधा चम्मच। इस सब को हम मिला देंगे अच्छी तरह से। जो नॉर्मल रायता बनता है कद्दू खीरा सबका, वैसे ही ये रहेगा, थोड़ा सा दही और पड़ेगा इसमें एक चम्मच। थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तो ये मेरा हो गया सिंपल रायता जो केवल दही और जीरा पाउडर से बनता है, नमक सब डालकर। और इसी में हम डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्चा का कतरन, थोड़ा सा हल्दी नाम मात्र का केवल कलर आने के लिए, आधा क्वार्टर चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च। इसमें हम डालेंगे मेथी पाउडर जो हम रोस्ट करके मेथी को बनाए थे,
छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पाउडर। एक चम्मच के अंदाज हम इसमें डालेंगे सरसों तेल, और ये सब को हम अच्छी तरह से मिला देंगे और ढक कर रख देंगे 24 घंटा के लिए। हमारा अचार ही रायता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसका टेस्ट नॉर्मल रायता से अलग होता है, थोड़ा सा चटपटा। देखिए बिल्कुल अलग लुक में आ गया ये। आप भी ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर मेरी ये रायता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में। बाय बाय। पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।